पे ही आधारित है। पिछला जो हमारा लेक्चर था वो डाइवर्स पे बेसिस था, उससे पहले हमने म्यूचुअल कंसेंट के बारे में बात की थी और उससे पहले और बहुत सारे लेक्चर्स थे, लेकिन आज ये लेक्चर बेसिकली और मोस्टली जो है वो हस्बैंड्स के लिए है, क्योंकि जो सारे हमारे जो लॉज हैं वो ऑलरेडी जो रिलेट्स करते हैं वो वाइफ से रिलेट्स करते हैं, और हस्बैंड अगर इनोसेंट भी होते हैं तो ही हैज़ टू बी प्रूव ही इज़ इनोसेंट। देन द सिचुएशन इज़ दैट व्हेन वाइफ इज़ गोइंग हिज होम विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनी कॉल, विदाउट एनी फोन कॉल, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, देन व्हाट कैन अ हस्बैंड डू इन दैट सिचुएशन। वैसे सिचुएशन में हस्बैंड क्या करेगा? तो दोस्तों उसके लिए एक सीधा सा रास्ता है। अगर हम बात करेंगे हस्बैंड एंड वाइफ की डिस्प्यूट की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट में। हिंदू मैरिज एक्ट में क्या ऐसा कोई प्रोविज़न है जिसको लेकर हस्बैंड न्यायालय में अपनी ओर से कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे और न्यायालय के सामने ये आग्रह करे कि मेरी पत्नी जो है वो घर छोड़कर चली गई है और वो वापस नहीं आ रही है, अपने दाम्पत्य जीवन का निर्वहन नहीं करी, वायलेशन ऑफ ए कॉन्जुगल राइट्स, ठीक है, वायलेशन कर रही है यानी तोड़ रही है अपने वादे को, किस चीज़ को? कॉन्जुगल राइट्स को, यानी शादी होने के बाद सबसे पहला जो कर्तव्य होता है पत्नी का वो होता है कॉन्जुगल राइट्स का, यानी हस्बैंड एंड वाइफ के बीच दाम्पत्य जीवन किस तरीके का है उस पर बात होती है। अगर उसका वायलेशन हो रहा है तो उसके लिए हम क्या करें, व्हाट कैन आई डू? देन द हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 विल प्रोवाइड यू ए लॉ विच कैन यू गो थ्रू द प्रोसेस फॉर ए फैमिली कोर्ट फॉर रिस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। अब हस्बैंड क्या करेगा जब उसकी पत्नी बिना किसी झगड़े के, मतलब तो हल्का फुल्का डिस्प्यूट था, मन मुटाव था, तो ऐसे कंडीशन में अगर घर छोड़ के चली जाती है तो क्या होगा? तो उस कंडीशन में सेक्शन 9 अप्लाई होगा, हस्बैंड सेक्शन 9 में जाएगा और न्यायालय से कहेगा कि मेरी पत्नी जो है घर छोड़कर चली गई है, हमारे बीच कोई ऐसा झगड़ा नहीं है, कोई लीगल वायलेशन नहीं हुआ है, नहीं कोई डोमेस्टिक वायलेंस है, नहीं ऐसा कोई डोमेस्टिक डिस्प्यूट है, नाराज़ होकर चली गई या किसी के बहकावे में चली गई, तब क्या करेगा हस्बैंड? सेक्शन 9 में एप्लीकेशन तैयार करेगा और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जिसमें फैमिली कोर्ट सुनवाई करेगी, पिटिशन दाखिल होगा, अब भाई जो हस्बैंड है वो क्या कहेगा? वो ये कहेगा माई वाइफ इज़ नॉट कमिंग होम, प्लीज़ गिव मी एन ऑर्डर फ्रॉम द ऑनरेबल कोर्ट टू कम एंड रिस्टिट्यूट द कॉन्जुगल राइट्स। ये हिंदू मैरिज एक्ट में प्रोविजन है, यानी हिंदू विवाह अधिनियम में ये प्रावधान है कि कोई पत्नी अगर किसी पति को, अपने पति को, सॉरी अपने पति को छोड़कर चली जाती है और बिना किसी ग्राउंड्स के, बिना किसी फैक्ट के, तो ये सेक्शन 9 अप्लाई होगा। अब मुस्लिम मैरिज एक्ट में क्या होगा? मुस्लिम मैरिज में भी सेम होगा, लेकिन सेक्शन अलग है, क्योंकि दोनों विवाह का जो प्रोविज़न है एक्ट अलग अलग है। ये हिंदू मैरिज एक्ट है, यहाँ
मुस्लिम मैरिज एक्ट में सेक्शन 126 फॉलो होगा। यहाँ दाम्पत्य जीवन का निर्वाहन करने के लिए, यहाँ उस उर्दू में कहेंगे हुकूके ज़ौजियत, यानी बीवी होने का, पत्नी होने का फ़र्ज अदा कीजिए, आइए और अपने पत्नी होने का फ़र्ज अदा कीजिए। तो आपने देखा कि हिंदू इवन एंड मुस्लिम बोथ हैज़ एन राइट ऑफ ए हस्बैंड टू आस्क हिज वाइफ टू कम फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल फैमिली को। तो ये था आज का लेक्चर जो बेसिकली बेस्ड था हिंदू मैरिज एक्ट एंड मुस्लिम मैरिज एक्ट में सेक्शन 9 एंड सेक्शन 26 के बेसिस पे, जो कॉन्जुगल राइट्स के रजिस्ट्रेशन पे बात करता है। अगला लेक्चर हम फिर लेके आएंगे अगले एक नए टॉपिक के साथ, नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।